जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। आई कर माइन पास बोली अपर कहू सकिनी का ही बिहाति हित सभी का कहु कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदु कहा तो कसोरा। दूसरे का है सखी तुमने बहुत अच्छा कहा इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है वो जे सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सबु असमंजस ही सियानी ये सुनी अपर कहू मृदुवानी सखी इन कहा कऊ कऊ अस कही ही बड़े प्रभाव देखत लघु अही हे सियानी सब अस समंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर सि जा सुपद पंकज दूरी तरी अहल्याकृत अग बूरी सो की रही बिनु शिव धनु तोरे जय पति तिपरी हरि न बोरे। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था वह क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही विनंचि रचि सीए संवारी तही श्यामल बरु रचे वो बिचारी तासु बचन सुनि सब हरसानी ऐसे ही हो कहूँ मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है उसी ने विचार का सांवला वर भी रचे रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बनी से कहने लगी ऐसा ही हो हिये हर्षि बर्षि सुमन सुमुखि सुलोचनी बृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ चिर बिहारी मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व पूर्व दिशि गे दो भाई जहाँ जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई अति विस्तार चारु खच दारी विमल वेदिका रुचि संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व और गे जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी बहुत लंबा चौड़ा सुंदर डाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौहों दिशि कंचन मंच विशाला रचे यहाँ बैठी महिपाला तेही पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा। चारों सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार गिरा सुशोभित था। कश को ऊंची सब भांति सुहाई बैठी नगर लोग जहाँ जाई तिनके निकट विशाल सुहाये धवल दाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखी सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी पुर बालक कही कही मृदु वचना सादर प्रभु देखा विहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ जथा योग्य बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी नोहर गा तन पुल पुल कही अति हर्षु देखी देखी दो ब्रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ बिहारी मेरे प्रभु राम जय सिया राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बाद होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू का शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब ले बुलाई सहित सने जा ही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और
दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा भी अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लवन वेश महु भुवन निकाया, रची जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देख चले गुरु पाही, जान बिलंबु त्रास मन माही। वहीं दिनों व दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जासुतास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोही, कही बातें मृदु मधुर सुहाइए की सुहाई किए, विदा बालक भरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभ्य स प्रेम विनीत अति, सब कुछ सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आयु सिपाही सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ जर बिहारी, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। फिर वे प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चंद कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आयुष कीना, सभी संध्या वंदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सेन की नहीं तब जाई, लगे चरण चापन लोवाई, जिनके चरण सरोर हु लागी, करत विवद जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए विराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और जोग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि अज्ञा दीनी, रघुवर जाय सेन तब गिनी। यही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ लाए, सभ्य प्रसव प्रेम परम स छुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोबू बुताता, पोड़े दरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर वे और प्रेम रहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे ताज अब सो जाओ, तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सिखा दुनिका, गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम उस जान से, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ जर बिहारी, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जागे। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए, समय जान गुर आयु सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वह जाकर नहाए, फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि जी को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग गुबर देख्यु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लवाई, लागे बिटप मनोर नाना, बरन बरन बर बोल बेली पिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। न पल्लब फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख ल जाए, चातक कोकिल कीरक चकोरा, कुजत बिहग नटक
नितत कल मोरा, ने पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सो सुहावा मणि सोपान विचित्र मनावा विमल सली लुहु सर सिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत बरंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सोवश शोभित है जिसमें मनियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग उतरा गुबिलो की प्रभु हर्ष बंधु समय परम रम्य आराम येहु जो रामी सुख देत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी गभू सुदशरथ जर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। भाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम।